आज हम हिंदू मिशन में इकट्ठा हुए हैं और सारे इसके हिंदू मिशन टेंपल ऑफ क्वेबेक इन मॉन्ट्रियल और यहाँ के सारे फाउंडर मेंबर्स हैं वो यहाँ पर एकत्रित हैं हिंदू मिशन में और इनसे हम जानेंगे कि हिंदू मिशन ऑफ क्वेबेक की हिस्ट्री क्या रही है, शुरू कैसे हुआ, किसने किया और कैसे ये एक अच्छा सा मंदिर बन गया। तो लक्ष्मी जी, आप प्लीज़ आप हमें बताएं कि ये शुरू किस साल में हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से हुआ। 1970 में अवस्थी जी और ओम प्रकाश जी गुप्ता जी दोनों ने मिलकर के अवस्थी जी की बेसमेंट से ये हिंदू मिशन को स्टार्ट किया। धीरे 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 ये चलता, फिर ये सी वी सिंह जी की, क्योंकि जगह कोई नहीं थी, जगह छोटी पड़ी तो सी वी जी के वहाँ रेस्टोरेंट के ऊपर हमने वहाँ किया। फिर उसके बाद जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, फिर हमने शिवानंद योगा सेंटर जो है, विष्णु देवानंद जो है, तो उनके यहाँ हम अपना कीर्तन 15 दिन के बाद करते थे। मतलब बड़ा फंक्शन होता था तो वो हम किसी YWCA में लेकर के करते। तो इसका नाम हमेशा ही हिंदू मिशन ऑफ क्वेबेक, पहले जो था, पहले सबसे पहले इसका नाम पर हुआ जन्माष्टमी समारोह समिति, फिर उसके बाद चलता फिरता मंदिर, उसके बाद दीवान और डॉक्टर दीवान और वसी जी और ओम प्रकाश शर्मा जी, ओम प्रकाश गुप्ता जी शर्मा जी और हतीश शर्मा जी, ये 5 मेंबर थे उस समय। इन्होंने हिंदू मिशन, वो जो दीवान जी थे, उन्होंने इसका नाम हिंदू मिशन ऑफ कैनेडा रखा, तब से शुरू। लेकिन उसके बाईलाज जो थे वो लाइफ बाईलाज 1977 में हुए, 77 में इसको रजिस्टर करवाया गया। और यहाँ पर कब आए? इसके बाद फिर 77 से लेकर 1980 में हमने ये जगह देखी। अब ये जगह पसंद आई तो हमने कहा कि ये जो हमारा ये दिवाली का फंक्शन होता है ना, तो दिवाली का फंक्शन हम यहाँ करेंगे ताकि लोगों को दिखाएं, अगर उनको जगह पसंद आ जाए तो हम या इसको, तो ये लोगों को जगह पसंद आ गई। 1980 नवंबर में हमने इस जगह के दिवाली के फंक्शन के बाद लिया। अच्छा जी, इसको हमने 139,000 में लिया उस समय, 139 में लेकर के। उसके बाद फिर 1982 में हमने इसको पेड अप कर दिया मंदिर का। अच्छा, इतनी जल्दी? हाँ, 82 में पेड अप कर दिया। लोगों ने दिया ना? हाँ हाँ, नहीं ठीक से बस। हाँ हाँ, 1982 में, क्योंकि मॉर्गेज तो मिलने वाली नहीं थी, तो इसलिए हमने मिलकर से सोचा कि अगर इसको पेड अप कर दे तो है, इसमें कुछ लोगों के डोनेशन है और कुछ लोगों ने इंटरेस्ट फ्री लोन लिया था उस समय। उसमें से कौशल जी, राम स्वरूप कौशल जी हैं, उन्होंने 45,000 का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया था। तो ऐसे लोगों ने सब मिल करके किया। अब धीरे 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 वृक्ष पड़ता हुआ आज हिंदू मिशन सनातन धर्म मिशन मंदिर के नाम से। यहाँ पर हम सब एकत्रित हैं। हाँ, ये पंडित जी हमारे यहाँ मंदिर में सेवा करने के लिए 1990 में आए। अच्छा, 90 में, तब से लेकर आज तक ये मंदिर की अपने पूरे तन मन धन से सेवा कर रहे हैं इस मंदिर में। आपका बहुत बहुत ही योगदान है पंडित जी। हाँ जी, इनका देना मंदिर नहीं दे सकता, इतनी सेवा ये इन्होंने तन मन धन से। हाँ, शंकराचार्य जी आए, हमारे दरबारी लाल जी थे, उनका बड़ा योगदान है, अल्लाह नरेंद्र पल्ला साहब थे, उनका योगदान है, और ओम सानी थे, उनका योगदान है, डुबान जी हैं, उनका योगदान था, और हरि तुकनाथ जी थे, उनका बड़ा योगदान है इस मंदिर के लिए, और फिर वो भाई साहब थे, उनका बड़ा योगदान है इस मंदिर के लिए। समय समय पर इस मंदिर के लिए कोई ना कोई भगवान उनको भेजते रहे इस मंदिर की सेवा। सही है। और ये भी मैंने सुना कि सबसे पहले सिर्फ जब ये चलता फिरता मंदिर था तब इसकी सिर्फ मूर्तियां नहीं थी, तस्वीरें होती थी, वो अभी भी पीछे हैं पड़ी हुई। और फिर धीरे धीरे
तस्वीरों से मूर्तियां आ गई मंदिर में, मूर्तियां और दरिया। दरिया, अच्छा दरिया भी नहीं थी पहले? दरिया भी थी, दरिया अच्छा। उठा के ले जाते थे, अरे यहाँ कीर्तन करते थे, यहाँ भी ले जाके पहले पहले जब हम जॉनसन में करते थे वहाँ कैफेटेरिया में करते थे अच्छा। पहले सिगरेट और बोतलों को उठाते थे, साफ करते जगह को, जल से छिड़क करके पवित्र करते, फिर दरिया बिछा करके ठाकुर जी को बिठाते और फिर कीर्तन करते थे, फिर ठाकुर जी को भोग वगैरह सब कुछ ऐसे करते थे। लिफ्ट में ये आइए, नहीं नहीं अच्छा जी। और एक तो ये छोटी सी किचन है, इसमें से पूरे मंदिर की रोटी, हजार हजार आदमी का खाना। और इसमें इस मंदिर में दो कैंप लगे बच्चों के, अच्छा दो बच्चों के कैंप लगाए 1982 में और 83 में, दो साल दो कैंप लगाए बच्चों के, 80-80 बच्चे थे, 7 दिन के लिए सुबह से शाम तक यही रहते थे। प्रोग्राम सुबह से लेकर शाम तक प्रोग्राम होता था, उसमें योगा था, उसमें क्वेश्चन आंसरिंग था, हिंदुइज्म के बारे था, उनको सिलाई वगैरह सिखाते थे, यही सोचते थे, यही रहते थे। और दो दफा वेस्ट वर्जीनिया चार चार पाँच पाँच बार फैमिलीज के साथ कैसे उसमें योगा सिखाने के लिए बाली जी थे, मदन बाली, मदन बाली जी योगा सिखाते थे, 5 बजे बच्चों को योगा सिखाया। अच्छा जी, चलो अब फिर से मंदिर ऐसे ही बुलंदियों पे फिर से उठेगा, बिल्कुल सबके सबके सहयोग से। हाँ कांता जी भी उसी समय से साथ में जुड़ी हुई अभी तक जो है मनोबल बहुत रहेगा। अच्छा जी, और आपसे सबसे प्रार्थना है कि भगवान आपको शांति और सुख प्रदान करें और इसी तरह से मंदिर से आप सब जुड़े। बिल्कुल बराबर, धन्यवाद जी। Thank you.